तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अपने मार्च मंथ का एलाइट पास आ चुका है, तो आप इस मार्च मंथ के एलाइट पास के जितने भी मिशन है उसे आप जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई लोग, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और भाई लोग, आप सब यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रही है, अपने मार्च मंथ का एलाइट पास का ट्रेलर चल रहा है, तो यहाँ पे देख लो। आप सब कमेंट करके जरूर से बताना कि अब की बार का एलाइट पास आपको कैसा लग रहा है और आप इसे परचेस करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे देख लो, क्या ही मस्त लुक लग रहा है इसका, और इसका ट्रेलर भी बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। तो यहाँ पे देख लो, कुछ इस टाइप से आपका एलाइट पास होने वाला है। तो गाइस, मैं आप सभी को जल्दी से पूरा एलाइट पास दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से आइटम मिलने वाले हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इनके जो मिशंस होते हैं उसे आप कैसे कम्प्लीट कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो गाइस, यहाँ पे देख लो, अपना एलाइट पास कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। तो सबसे पहले आपको कार की स्किन मिल जाएगी, जो अपनी ब्लू वाली कार होती है उसकी स्किन कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही मस्त स्किन लग रही है, बहुत ही अच्छे से इसके टेक्सचर दिए गए हैं। और यहाँ पे देखो, अपना अवतार एक मिलेगा फ्री में बिल्कुल, ठीक है। और ये अपना बैट का स्किन है, एलाइट पास परचेस करोगे तो मिल जाएगा। और ये है अपना फीमेल का ड्रेस, तो फीमेल का ड्रेस भी सही है, 40 बैचेस में, 15 बैचेस में क्या चाहिए फिर, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये जो मेल का अपना ड्रेस होता है ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, आपको बस 40 बैचेस कंप्लीट करने हैं, तो आपको ये मेल का ड्रेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे अवतार देख लो, अवतार आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। और यहाँ पे देखो, अपना फीमेल का ड्रेस कुछ इस टाइप से होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, क्या ही मस्त लग रहा है, बिल्कुल ओसम सा लग रहा है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको फीमेल का ड्रेस कैसा लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया बनाया गया अब की बार का एलाइट पास। और यहाँ पे देखो, आपको ये जो अपनी छोटी वाली गन होती है ना, जैसे हम पिस्तौल रखते हैं, तो इस टाइप से अपनी एक गन होती है M1873, तो आपकी स्किन कुछ इस टाइप से होने वाली है, ठीक है। तो अब की बार का एलाइट पास बहुत ही ज़्यादा ओसम होने वाला है। और यहाँ पे देखो, जो आपको फ्री में ड्रेस मिलती है, अगर आप एलाइट पास परचेस नहीं करोगे तो आपको ये ड्रेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, बस आपको 100 बैचेस कम्प्लीट करने होंगे। और ये है अपना सर्फ बोर्ड, ये भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो आप सब बताना आपको ये एलाइट पास कैसे लग रहा है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया एलाइट पास आपकी बार का दिया गया, जनवरी और फरवरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये देख लो, अपना जो ग्रेनेड का स्किन होता है ना, कितना क्यूट बनाया गया है, खरगोश का टाइप का इसको बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अवतार बैनर, ये पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों दे देते हैं। और ये देखो, अपना लूट बॉक्स भी कितना ओसम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, लूट बॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे ये जो पूरा एलाइट पास होने वाला है, मैजिशियन के थीम पे बेस है, तो ये सारे आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अपना बैकपैक भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पे बैकपैक लेवल 3 पे ही अच्छा लग रहा है, लेवल 1-2 पे अच्छा नहीं लग रहा। और ये है अपना लास्ट में मेल का बंडल। तो गाइस, मेल का बंडल बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो आप सब बताना आप इसे निकालोगे कि नहीं निकालोगे। अब की बार का एलाइट पास बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो गाइस, ये तो था अपना पूरा एलाइट पास का फुल रिव्यू। तो भाई लोग, अब बात करते हैं कि जो अपने मिशंस होते हैं एलाइट पास के, और जितने भी अपने डेली मिशन एक्टिव मिशन होते हैं, उसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे वीक 1 से, कि आप वीक 1 के मिशन कैसे कंप्लीट कर सकते हो बहुत जल्दी से, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं सारे मिशंस को पढ़ के आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा दूंगा, जिससे आपको कोई से भी डाउट नहीं रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे देख लो, सबसे पहला मिशन आपको ये दिया गया है कि आपको CS मोड खेलना है और आपको 5000 का डैमेज देना है, तो आप तो आराम से दे दोगे। और आपको सेम ऐसे ही क्लासिक मोड में करना है, 5000 का डैमेज देना है, तो ये दोनों मिशन सेम है, तो आप आराम से इसे कर लेना। और अपना थर्ड मिशन है कि आपको यहाँ CS रैंक मोड खेलना है, वो भी 10 मैचेस। तो भाई लोग, आप एक दिन में आराम से 10 मैचेस से ज़्यादा खेल लेते हो तो आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगला मिशन जो है कि आपको क्लासिक मैच में 10 बुइया करने हैं। तो गाइस, आपको इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, आपको बोट अकाउंट के साथ खेलना है, जिससे आपके सामने बोट आएंगे, ठीक है, और आपका आराम से 10 बुइया हो जाएगा। तो भाई लोग, अपना अगला मिशन टीम टास्क है, आपको पूरे अच्छे से टीम बनाने, स्क्वाड बनाना है, और आपको 50 प्लेयर्स को मार गिराना है, ठीक है, हेडशॉट से मारना है, तो आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जो अगला मिशन है कि आपको रिवाइव करना है 3 बार, ठीक है, अपने पार्टनर को रिवाइव करना है क्लासिक मोड में, और मेल करेक्टर होना चाहिए उसका। और यहाँ पर लिखा गया अगला मिशन कि आपको क्लासिक मैच खेलना है, सोलो मैच खेलना है, और आपको 6 प्लेयर्स को मारना है हेडशॉट से, तो ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो मिशन है कि आपको क्लासिक क्लास स्क्वाड मोड खेलना है, और आपको यहाँ पे स्नाइपर राइफल से मारना है 10 एनिमीज को, तो स्नाइपर राइफल अपनी वो होती है, आपको पता ही होगा, वुड पैकर हो गई, और ऐसी होती है SKS ड्रैगनोव, ये सब जो होती है स्नाइपर राइफल, तो आप इनसे मारना है आपको 10 एनिमीज को, तो आपका वीक 1 आराम से कम्प्लीट हो जाएगा।
तो होप करता हूँ आपको वीक वन के सारे मिशन समझ आ चुके हैं। तो भाई लोग अब बात करते हैं वीक टू के सारे मिशंस के बारे में। तो भाई लोग वीक टू पे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको शुरुआत में नहीं कहा सब्सक्राइब करने के लिए, तो भाई लोग मतलब आप कर नहीं रहे हो सब्सक्राइब, तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी यहाँ से कर देना। तो भाई लोग अब बात करते हैं वीक टू के मिशंस के बारे में। तो आपको सबसे पहले मिशन मिल जाएगा कि आपको क्लैश स्क्वाड में 15 प्लेयर्स को मारने हैं। तो क्लैश स्क्वाड में आराम से डबल वेक्टर उठाना और आराम से 15 प्लेयर्स को मार देना। और अगला जो मिशन है कि आपको क्लासिक मोड खेलना है और आपको 300 सेकंड तक सर्वाइव करना है 12 बार। तो क्लासिक मोड में 300 सेकंड कितना होता है, 6 मिनट आपको सर्वाइव करना है। तो 6 मिनट सर्वाइव करके आप अपने आप मर जाना 12 बार क्लासिक मोड में, तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और भाई लोग अपना जो अगला मिशन है वो आता है सीएस मोड का। आपको सीएस मोड में एसएमजी गन से 24 ओपोनेंट्स को मारना है। तो सीएस मोड में आपको पता है कि आराम से एसएमजी गन उठाना, डबल वेक्टर उठाना और 25 बंदे 24 बंदे को आराम से मार देना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और गाइज अपना जो अगला मिशन है उसमें आपको 7500 का डैमेज देना है, ठीक है। और किससे डैमेज देना है, आपको शॉर्ट गन से देना है, अपनी मैग 7 M10 ये जो हो गई, इससे आप 7500 का डैमेज दे देना क्लासिक मोड में, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अपना जो अगला मिशन है कि आपको ट्रैवल करना है 500 मीटर की, ठीक है, डिस्टेंस 500 मीटर की डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है जिपलाइन से। तो आपको पता है कि पिक से लेकर एक मील तक एक जाती है अपनी जिपलाइन, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है वो। तो आपको उसमें बस जाना है 3 से 4 बार, आप आराम से कर लेना, 10-12 बार आराम से आप जिपलाइन से ट्रैवल कर लोगे तो आपका 500 मीटर कम्प्लीट हो जाएगा, और जिससे आपका मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो भाई लोग अपना जो अगला मिशन है वो है अपना टीम टास्क। आपको अपने क्लास, आपको क्लास स्क्वाड खेलना है अपनी स्क्वाड बना के, और आपको 100 प्लेयर्स को मारना है। तो आप देखो आप आराम से 5-6 एनिमी को मारोगे, आपके टीममेट भी मारेंगे, तो आपका 5 या 6 मैच खेलोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस जो अपना अगला मिशन है कि आपको क्लासिक मोड खेलना है, क्लासिक मोड खेलने में आपको क्या करना है, आपको टॉप 10 में आना है। टॉप 10 में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता ही, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, आपको यहाँ पे किल नहीं करना है, बिना किल करें आपको टॉप 10 में जाना है, वो भी 5 बार। तो ये आराम से हो जाएगा, आराम से कैंप करके आप टॉप 10 में चले जाना। और अपना लास्ट मिशन है कि आपको ग्रेनेड से 8 जने को मारना है, ठीक है, 8 एनिमीज़ को मारना है, तो आप 8 एनिमीज़ को आराम से ग्रेनेड कुक करके मार देना। तो गाइस अब बढ़ते हैं वीक 3 की तरफ। तो आपको यहाँ पे पहला मिशन मिल जाएगा कि आपको टॉप 3 में जाना है क्लासिक मोड में, वो भी 5 बार। तो ये तो आराम से हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और भाई लोग जो अपना सेकंड मिशन, आपको क्लासिक मोड में 10 बार रिवाइव करना है अपने पार्टनर को। तो भाई लोग आप आराम से अपने पार्टनर को रिवाइव कर देना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और गाइस अपना जो अगला मिशन है कि आपको सीएस मोड में 1000 का डैमेज देना है विद इन अ सिंगल मैच। आपको सिंगल मैच में 1000 का डैमेज देना है, तो आप आराम से दे दोगे, ठीक है, AWM उठाना और आराम से हेडशॉट एक मार दोगे तो आराम से 1100 का डैमेज दे देगा, तो आपको एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस जो अपना अगला मिशन है वो है टीम टास्क का। आपको यहाँ पे क्लासिक या रैंक मोड खेलना है, ठीक है, सॉरी गलत हो गया था, क्लासिक या रैंक मोड खेलना है, और आपको 30,000 पॉइंट्स का डैमेज देना है। तो आपको पता है अपने टीम के साथ खेलोगे तो आराम से 30,000 पॉइंट का डैमेज हो जाएगा। और वैसे आपको क्लासिक खेलना है तो आपको बोट मिलेंगे बहुत ज़्यादा, तो बोट को मार के आप आराम से इतने ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। तो गाइस अपना जो अगला मिशन है कि आपको SMG गन से हेडशॉट मारना है, हेडशॉट मार के आपको 8 प्लेयर्स को मार गिराना है, वो भी क्लासिक मोड में। तो गाइस मैं जितने भी आ रहे हैं ना वो अपने क्लासिक मोड के आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बोट अकाउंट के साथ खेलना है, जिससे आपके सामने बोट ही बोट आएंगे, आप आराम से हेडशॉट मार दोगे। तो गाइस अपना अगला मिशन है कि आपको 10 मशरूम खाना है, तो क्लासिक मैच में आराम से 10 मशरूम खा लेना। और गाइस अपना जो अगला मिशन है कि आपको 1200 का डैमेज देना है एक सिंगल मैच में, क्लासिक मैच में, ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा। और अपना अगला मिशन है कि आपको क्लैश स्क्वाड मोड में 15 एनिमीज को मारना है पिस्टोल से। तो डेजर्ट ईगल आराम से उठाना और सबको लपेट देना, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने वीक 4 की तरफ। तो गाइस आपको सबसे पहला मिशन मिल जाएगा कि आपको सीएस मोड में 8 मैचेस कंप्लीट करने हैं। तो गाइस अपने मतलब जो टीममेट्स होते हैं उनसे कह देना एलिमिनेट हो जाए बार बार, और 8 मैचेस आराम से जीत जाओगे। तो गाइस जो अपना अगला मिशन है कि आपको यहाँ पे क्लासिक मोड खेलना है 12 बार। तो भाई लोग आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री पे उतरना, ऑयल बैरल पड़ा हुआ होता है तो उतरते के साथ मर जाना और 12 मैचेस कंप्लीट कर लेना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाई लोग अपना अगला मिशन है कि आपको क्लैश स्क्वाड मोड में 8 ग्लू वॉल छोड़ने हैं, ठीक है, तो आप 10-12 ग्लू वॉल छोड़ देते हो आराम से, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
और गाइस जो अपना अगला मिशन है वो टीम टास्क का है। तो आपको यहाँ क्लैश स्क्वाड मोड खेलना है, ठीक है, और आपको 100 मेडिकिट लगाना है। आपके फ्रेंड पार्टनर सब मिलके लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो गाइज़ अपना जो अगला मिशन है कि आपको 9000 का मतलब ट्रैवल करना है क्लासिक मोड में। तो मैंने आपको कहा था आपको कैंप करना है उतरते के साथ, कोई सी भी गन मिले और भागना चालू कर देना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला मिशन है कि आपको यूएवी ड्रोन जो होता है ना अपना, जिसमें एनिमी की लोकेशन बता देता है, तो उसके नीचे आ जाना है 6 बार, तो आपका ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मिशन है आपका, हो जाएगा। तो गाइस अपना जो अगला मिशन है उसमें आपको क्या करना है, आपको क्लासिक मोड खेलना है और आपको यहाँ पर टॉप 10 में जाना है। और टॉप 10 में कैसे जाना है, आपको यहाँ एक ट्विस्ट दिया गया है, आपको एनिमीज़ को नहीं मारना है। तो गाइस आपको मैंने बताया था आपको क्या करना है, उतरते के साथ आपको कैंप करना शुरू कर देना है और एनिमीज़ को नहीं मारना है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आप सर्वाइव करते रहना, छुप छुप के खेलते रहना। तो गाइस जो अपना लास्ट मिशन है उसमें आपको CS मोड खेलना है और 10 एनिमीज़ को मारना है शॉटगन से। तो 10 एनिमीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आम बात है, आप आराम से Mag 7 उठाना, आराम से सबको लपेट देना, तो आपका ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो भाई लोग ये थे अपने सारे मिशन। भाई लोग अब बात करते हैं उस मतलब ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप जल्दी से जल्दी इन सारे मिशंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई लोग आपको करना क्या है, आपको पता है कि जितने भी मिशन है वीक में डिवाइड है और हर वीक में मतलब खुल जाएगा। वीक 1 में वीक 1 ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख लो, जैसे वीक 1 यहाँ पर ओपन करोगे तो आपको 8 मिशन मिल जाएंगे। और आपको 8 मिशन कंप्लीट करने में मतलब आपको एक दिन पूरा लगेगा, ठीक है, एक दिन में आपका 8 मिशन पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो भाई लोग आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको CS मोड पे फोकस करना होगा। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ दे रखी, एक CS मोड है और एक क्लासिक मोड है। तो आपको पहले CS मोड के ऊपर फोकस करना है और आपको एक एक मिशन उठा के चलना है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा वो सारे मिशंस को पढ़ लेते हैं एक ही बार में और उनके माइंड में कन्फ्यूज़न सी आ जाती है, ठीक है, जब वो गेम खेलने जाते हैं उन्हें याद नहीं रहता कि भाई हमें कौन सा मिशन कम्प्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि हाँ 5000 का डैमेज देना है CS मोड में, फिर आप अपने गेम में चले जाना और 5000 का डैमेज जब तक आप नहीं देते तो आपको अगले मिशन पे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे एक एक करके कंप्लीट करते जाओगे तो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सारे एक ही बार लेके जाओगे तो भाई आपका नहीं हो पाने का, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो भाई लोग यही ट्रिक अप्लाई होती है, इसी की वजह से मैंने मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ अपने सारे बैचेस को। तो बस भाई लोग मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई लोग इतनी लंबी वीडियो है, ठीक है, माफ़ करना, ठीक है, बनानी पड़ी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता था। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। और भाई लोग एक और चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।